सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो चलिए देखते हैं आज कौन सी तिथि और कौन सा दिन है। सो आज कौन सी तिथि है? आज है 15th of December और वर्ष है 2021। ओके, और आज दिन कौन सा है? आज है बुधवार। आज कौन सा दिन है? बुधवार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंसडे, बुधवार। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अ की मात्रा। अ की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है, उसका उच्चारण कैसे होता है और उससे रिलेटेड हम वर्कशीट्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अ की मात्रा। जब हम अ की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा मुंह ज्यादा खुलता है। ओके, कैसे बोलते हैं हम अ की मात्रा? इसमें हमारा जो मुंह है वह ज्यादा खुलेगा और इसका उच्चारण हम थोड़े लंबे समय के लिए करेंगे। और अ की मात्रा को लिखते कैसे है? स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। ये देखिए, ये है स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर हम इस तरीके से दो बलून और एक स्लीपिंग लाइन, ऐसे दो ऊपर बलून आते हैं तो उसे हम बोलते हैं अ की मात्रा। आज की कक्षा में हम अ की मात्रा सारे व्यंजनों और संयुक्त व्यंजनों के साथ लगाएंगे, उसका उच्चारण सीखेंगे और उसे कैसे हम लिखते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, क। क्या लिखा है? क। क के साथ जब मैं अ की मात्रा, स्टैंडिंग लाइन और इस तरीके से ये दो मात्रा आपने दो बलून लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? क के पीछे अ की मात्रा तो बना क। अगला है ख के पीछे ऐसे लगाएंगे अ की मात्रा तो बोलेंगे ख। ग के पीछे ये अ तो क्या बना? ग। आपने ये स्टैंडिंग लाइन के साथ अगर ऐसे दो लगा दी तो वो ए की मात्रा बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले स्टैंडिंग लाइन लगानी है और उसके बाद इस तरीके से दो बलून बना देंगे, ठीक है। फिर है घ के साथ ओ की मात्रा घ और अंगा खाली तो क्या हो गया? क ख घ। ओके, अब च के साथ लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? च ओ, ठीक है, मुंह खोलना है। ये है छ से छतरी तो लगा देंगे छ के साथ छ। ज के साथ जौ, ठीक है, और झ से झंडा, झ के साथ झौ। दो बलून बनाने हैं। ओके, और या खाली। अब ये कर्व है, सारे वर्ण कैसे हैं कर्व में। पहला है ट। ट के साथ ओ की मात्रा ट। ठ के साथ ठ। ड के साथ ड। ध के साथ ध। और ये खाली, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ट ठ ड ढ ण खाली। अगला है त। त के साथ लगाएंगे तो त। थ के साथ थ। द के साथ द। ध के साथ ध। न से नल, न। अगला है प। प के साथ लगाएंगे तो प। उसके बाद है फ। फ के साथ फ।
साथ बो, ब से भालू के साथ लगाएंगे तो यहाँ लिखा मैंने स्टैंडिंग लाइन और ये ओ की मात्रा, तो उच्चारण कैसा होगा भ। ये है म से मछली, उसके साथ म, ओके। य से यज्ञ, य के साथ य, र। ल के साथ ल, व वो, श के साथ श, स के साथ स, स से सड़क स, ह के साथ ह, श से क्षत्रिय के साथ श, त्र और य, ठीक है। तो जब हम सारे व्यंजनों के साथ, संयुक्त व्यंजनों के साथ अ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कैसा होता है, एक बार फिर से दोहरा लेंगे। क, ख, ग, घ, खाली, च, छ, ज, ज, झ, झ, या खाली, ट, ठ, डो, डो, ना खाली, ये है तो, थो, दो, धो, नो, पो, भो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, श्रो, त्रो, ग्यो। तो प्यारे बच्चों, आपने भी ऐसे ही ओ की मात्रा का उच्चारण करना है सारे व्यंजनों और संयुक्त व्यंजनों के साथ, ओ की मात्रा को लगा के उसको लिखना है और उसका सही सही उच्चारण करना है, सो दैट जब हम अपनी रीडिंग करेंगे बुक्स में, हम आसानी से अ की मात्रा से बनने वाले शब्द बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। धन्यवाद।